गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 5th सब्जेक्ट है आपका मैथ। मैथ में हम एक्सरसाइज 2 पढ़ रहे थे। एक्सरसाइज 2 में हमने 3 तक पढ़ लिया था, आज हम पढ़ेंगे 4th नंबर। तो 4th नंबर में हमारा कह रहा है यूजिंग इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन फाइंड, सॉरी 4th नंबर में ही यूजिंग इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ द ईच ऑफ द डिजिट्स इन द न्यूमरल्स। ये हमारे न्यूमरल्स लिए हैं, इनका इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम के आधार पर इसकी प्लेस वैल्यू निकालनी है। तो हमारा सवाल है यहाँ पे 64,19,00,000 17,5,28। तो जो हम 8 की निकाले, 8 हमारा 1s पे है तो 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, 8 आ गया। 2 की 2 से 10 से मल्टीप्लाई किया, जिस प्लेस पे आधा है ये 1s पे, ये 10s पे, ये 100 पे, ये 1000, ये 10,000 पे है। 1 लाख, 10 लाख और 1 करोड़ और 10 करोड़। तो उसी हिसाब से हमें, हम जैसे 2 टेंस पे था, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, 20 आ गया। 5 हमारा 100 के प्लेस पे है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ऐसे मल्टीप्लाई करके 7 हमारा कहाँ 10,000 पे था तो 10,000 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 17,000 आ गया। 19 हमारा 1 लाख पे था तो 1 लाख से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हमारा आ गया यहाँ पे 9 लाख। और 1 हमारा क्या है 10 लाख पे था तो 10 लाख से मल्टीप्लाई कर दिया तो 10 लाख आ गया। 4 हमारा क्या है 1 करोड़ पे है तो 1 करोड़ से मल्टीप्लाई किया तो 4 करोड़ आ गया। 6 हमारा क्या है 10 करोड़ पे है तो 10 करोड़ से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे यहाँ पे 16 करोड़ आ गया। ये हमारा आंसर हो गया। 5 नंबर में क्या है हमारा, यूजिंग इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ द अंडरलाइन डिजिट्स इन द ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये कह रहा है यहाँ पे अंडरलाइन, ये हमारे न्यूमरेशन दिए हुए हैं, इनका इंडियन प्लेस वैल्यू, इंडियन सिस्टम के आधार पर इसकी प्लेस वैल्यू निकालनी है। जिस इनका नीचे अंडरलाइन है उसी के आधार पर हमें इसकी प्लेस वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर हमारे क्या कितने दिए हुए हैं, 5 नंबर का ए नंबर है, यहाँ पे 9 के नीचे अंडरलाइन है, यहाँ पे हम 1s हो गया, ये 10s हो गया, ये 100 हो गया, ये 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, करोड़ और 10 करोड़। तो क्या 59 करोड़, 7 लाख, 13,568। तो ये हमारे यहाँ पे हमें 9 की प्लेस वैल्यू निकालनी है तो 9 की हम प्लेस वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 9 हमारा क्या है 1 करोड़ के प्लेस पे है तो यहाँ पे 1 करोड़ से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा 9 करोड़। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। इसी तरह आपको बी सी और डी नंबर करने हैं। उसके बाद 6 नंबर, 6 नंबर में क्या है, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। तो ये हमारा एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। 6 नंबर का पहला हमारा सवाल है 5,29,347। तो क्या है 5 हमारा कहाँ पे है, लाख के, लाख पे है, लाख के प्लेस पे। तो हम यहाँ पे 1 लाख से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि 5 हमारा 1 लाख के प्लेस पे है तो 5 का मल्टीप्लाई कर दिया 1 लाख से, उसके प्लस कर दिया। 2 हमारा क्या 10,000 पे है तो 10,000 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस कर दिया। 9 हमारा 1,000 के प्लेस पे है तो 1,000 से मल्टीप्लाई कर दिया, उसके प्लस। 3 हमारा 100 के प्लेस पे है तो 3×100 कर दिया, प्लस। 4 हमारा 10s के प्लेस पे है तो 10s के मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस। 7 हमारा 1s के प्लेस पे है तो 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये हमारा एक्सपेंडेड फॉर्म में हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। इसी तरह बी नंबर है, बी नंबर में हमारा दिए 29,09,519। तो ये दिए है तो यहाँ पे हमारे 2 हमारा 10 लाख के स्थान पे प्लेस पे है तो 2 का मल्टीप्लाई हमने 10 लाख से कर दिया, प्लस। 9 हमारा 1 लाख के प्लेस पे है तो 1 लाख से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस। 9 हमारा 100 के प्लेस पे है तो 100 कर दिया, प्लस। 5 हमारा 100, सॉरी यहाँ पे 9 हमारा 1000 के प्लेस पे तो 1000 से प्लेस मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे प्लस। 5 हमारा 100 के प्लेस पे तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिया,
प्लस वन हमारा क्या टेंस के प्लेस पे, तो टेन से मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद नाइन हमारा वंस के स्थान पे है, तो वन से मल्टीप्लाई कर दिया। ये हो गया आपका आंसर। उसके बाद आपका आता है सेवन नंबर। सेवन नंबर में क्या करा, राइट द फॉलोइंग्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, ये हमारा एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा हुआ है, इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको पूरा को ये ऐड कर लेंगे। ऐड करेंगे जब हमारा, तो यहाँ पे हमारे ये 13 लॉक्स दिए हैं, प्लस 7 लॉक्स 16,000, 9,000, 17 और 6। तो इसको जो है ये हमारे लॉक्स के स्थान, 10 लॉक्स के स्थान 10 लॉक्स पे कर दिया, ये 1 लॉक पे है तो 1 लॉक कर दिया। ये हमारा 10,000 के स्थान पर 10,000 हो गया, ये हमारा 1,000 के स्थान पर तो 1,000 हो गया, 100 हमारा नहीं है तो 100 के प्लेस पे हमारा 0 हो गया, ये टेंस के प्लेस पे तो टेंस हो गया, ये वंस के प्लेस पे वंस हो गया, ये हमारा हो गया। इसके ये इसके इंडियन प्लेस वैल्यू के आधार पर कॉमा लगाएंगे तो ये ऐसे हो गया हमारा कॉमा, क्योंकि इंडियन प्ले वो इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू के स्थान पर हमारे कॉमा जो होते हैं 3-3 के प्लेस पे होते हैं। तो ये हो गया आपका आंसर। इसी तरह बी और सी है जो आपको करने हैं। उसके बाद क्या है आपका, राइट द फॉलोइंग्स न्यूमरस विथ प्रॉपर कॉमा यूजिंग इंटरनेशनल सिस्टम। इंटरनेशनल सिस्टम के आधार पर हमें इनमें कॉमाज लगाने हैं, प्रॉपर कॉमाज लगाने हैं। तो इंडियन प्लेस वैल्यू हमें बताया था ना, इसमें जो पीरियड होते हैं वो 3-3 के होते हैं, तो इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू के जो सिस्टम कॉमाज लगते हैं वो 3-3 के पीरियड पे लगते हैं। तो 1-2-3-3 के पीरियड पे हमने लगा दिया, उसके 1-2-3 फिर 3 के पीरियड में लगा दिया, ये हो गया हमारा। इस इसमें भी 1-2-3 1-2-3 ये हो गया आपका। इंडियन इंटरनेशनल सिस्टम में हमारे जितने पीरियड होते हैं 3-3 के पीरियड होते हैं, ये हो गया। उसके क्या कह रहा है, राइट द नंबर्स नेम ऑफ द फॉलोइंग। ये हमें यहाँ पे नंबर्स नेम के ये यहाँ पे नेम्स दिए हैं, इनको इंटरनेशनल, क्योंकि ये देखिए इंटरनेट 3-3 के पीरियड पे दिए हुए हैं ना, तो इनको 3-3 के पीरियड पे इनके नंबर्स नेम लिखने हैं। नाइन नंबर में क्या है हमारा, राइट द नंबर्स नेम द फॉलोइंग। तो ये हमारा इंटरनेशनल सिस्टम दिए हुए हैं, इनको हमें नंबर्स नेम लिखने हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा, 25,863,475। ये देखिए ये नाइन नंबर है, नाइन नंबर में हमारा 25 million, ये है 25,863,475, ये हो गया 25,863,475। ऐसे आपको लिखना है। इस तरह बी नंबर भी आपको नाइन का करना है, ये है नाइन का बी नंबर, ये बी नंबर आपको करना है। ए नंबर बता दिया है 25,863,475। इस तरह बी नंबर है, बी नंबर नाइन का 30,807,541। 30,807,541 ये आपका होगा। उसका टेन नंबर, टेन में क्या है आपका, राइट द फॉलोइंग इन फिगर। 64,119,018 ये आपको इनको फिगर्स पे लिखना है। एक हम आपको बता देते हैं, टू आप बी और सी आपको करने हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है, 64 million, क्या कह रहा है, 64,119,018 बोल रहा है, 100 यहाँ पे कुछ नहीं है, ये हो गया हमारा 18। तो ये हो गया आपका आंसर। इस तरह बी और सी आपको करने हैं। That's all for today. Next tomorrow.